हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीडियो ऑफ अतुल्य डिफेंस स्कूल। यह वीडियो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पेरेंट्स बाय दी आरएमएस मींस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की जो संस्था है वह पेरेंट्स से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस करना चाहती हैं या क्या क्या उनको एक्सपेक्टेशंस है जो आप फॉलो करोगे जिससे कि उनकी वर्किंग में या उनकी स्मूथ फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की संस्था जो है वो आपसे रिक्वेस्ट करती है कि आप फीस, प्रोग्रेस रिपोर्ट, इंस्ट्रक्शन, सर्कुलर्स और लेटर्स के बारे में अपडेट रहें। आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सा काम करना है, कब कौन सी एक्टिविटी होनी है। दूसरा, डोंट सेंड मनी। किसी को भी आपने, किसी भी बच्चे को आपने पैसे नहीं भेजने हैं क्योंकि ये वहाँ पे अलाउड नहीं है। बच्चों को कैश रखना अपने साथ अलाउड नहीं है। जब वहाँ पर टर्म एग्ज़ाम चल रहे होते हैं तो उस टाइम पर अननेसेसरीली लीव रिक्वेस्ट ना भेजें। एंश्योर बेसिक रिक्वायरमेंट्स मीन्स बच्चे के पास जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे उसके कपड़े हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वह सब उसके पास हैं, वो सब आपने चेक करना है। साथ ही साथ आपने ये भी चेक करना है कि जो उसका पॉकेट मनी अकाउंट है उसके अंदर सफिशेंट बैलेंस हो। आफ्टर वेकेशन जब भी हमने रीज्वाइन करना है, ड्यू डेट पर जो बच्चों ने रीज्वाइन करना है उसको इंश्योर करें कि वो ड्यू डेट जो है वो टाइम पर ही हो। एक्सपेंसिव मटीरियल्स लाइक स्मार्ट वॉच, गोल्ड रिंग, मोबाइल्स, वो सब अलाउड नहीं है। तो कोई भी महंगा सामान अगर आप वहाँ रखते हैं और वो ख़राब होता है, टूटता है, चोरी होता है या कोई भी मिसहैपनिंग होती है, उसके लिए स्कूल संस्था उसकी जिम्मेवार नहीं है। लैपटॉप, कैमरा, पेन ड्राइव, एटीएम कार्ड, यह सब वहाँ पर अलाउड नहीं है। कैश वहाँ पर अलाउड नहीं है। अगर बच्चे के पास से कैश मिलता है तो उसको उसके पॉकेट मनी अकाउंट में जमा करा दिया जाएगा। वहाँ के लोकल बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोलना आपको अलाउड नहीं है। अगर किसी भी कारण से बच्चा बीमार हो जाता है तो स्कूल अथॉरिटी से पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगर आपने बच्चे के साथ कोई भी कम्युनिकेशन करनी है, कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है, तो इंश्योर कर लें कि उसमें स्कूल नंबर, बच्चे का नाम, हाउस, वह सब उसके ऊपर प्रॉपरली मैंशन हो जिससे कि हम वहाँ पर बच्चों को प्रॉपर इंटीमेट कर सकें। अगर आप बच्चे से मिलना चाहते हैं तो आपको हाउस मास्टर की परमिशन लेना रिक्वायर्ड है। बिना हाउस मास्टर की परमिशन के आप बच्चे से नहीं मिल सकते हैं। और लास्ट में क्षतिपूर्ति पत्र, यानी कि कोई भी अगर नुकसान वहाँ पे होता है तो उसका आपको एक बॉन्ड जो है 50 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पे पेरेंट्स को सबमिट करना होता है, नोटरी से अटैच करा के एट दी टाइम ऑफ एडमिशन। अगर वहाँ पे कोई भी नुकसान करता है बच्चा तो उस सब का जो भी जिम्मेवारी है वो पेरेंट्स की होगी। और आप सब के लिए एक गुड न्यूज़ है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो चुका है 10 सितंबर से और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 10 अक्टूबर 2022, जिसका एग्ज़ाम दिसंबर 2022 में होगा और उसकी क्लासेस अप्रैल 2023 से स्टार्ट होंगी। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं या आपको इसके पिछले सालों के पेपर्स चाहिए या आपको स्टडी मटेरियल की किट चाहिए तो वह सब हमारे से आप बाई पोस्ट मंगवा सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपने हमारे पास यहाँ पे ऑफलाइन तैयारी करनी है तो हॉस्टल सुविधा भी हमारे पास उपलब्ध है, तो हॉस्टल सुविधा में यहाँ पर आप ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म फिलिंग में या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो नीचे दिए गए लिंक के ऊपर आप रजिस्टर कर सकते हैं या फिर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। पूरा वीडियो देखने के लिए और एग्ज़ाम के लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड कीजिए अतुल्य डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।